हेलो एवरीवन स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथकिंग में कर कंसेप्ट फोकस में क्लास नाइन्थ का चैप्टर फोर्टीन पढ़ने वाले हैं हम दैट इज स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे आज हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में जानेंगे कलेक्टिंग डाटा हम पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेज में सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसा डाटा का प्रजेंटेशन करते हैं रो डाटा क्या होता है रेंज ऑफ डाटा क्या होता है एग्जाम्पल्स कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे और बार ग्राफ हिस्टोग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ ये सब ग्राफ्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे मीन मीडियन और मोड़ पढ़ेंगे उन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे ठीक है सो so, लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए लेक्चर को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है सो so, पूरा लेक्चर को देखते रहिए तभी आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली है ठीक है सो so, देखो जहाँ तक बात है स्टेटिस्टिक्स की तो स्टेटिस्टिक्स के लोअर क्लासेस में हमने डेटा हैंडलिंग के नाम से जो चैप्टर पढ़े हैं दैट इज़ कमिंग अंडर स्टेटिस्टिक्स उसको स्टेटिस्टिक्स ही कहते हैं तो बेसिकली हमें स्टेटिस्टिक्स में कुछ डेटा का कलेक्शन करना है और उन कलेक्शन को एक एक फॉर्मेट में हमें रिप्रेजेंट करना है ठीक है जिससे कि हमें उनको स्टडी करने में बहुत आसानी के साथ हम उनको स्टडी कर सकें सो दैट फील्ड दैट पर्टिकुलर मैथमेटिक्स इज़ नोन एज द स्टेटिस्टिक्स डेटा कलेक्शन और उसको अच्छे से अरेंज करना टेबल फॉर्मेट में या जैसे भी है जिससे कि हमें इजीली हम उससे एनालिसिस कर सकें उसको कहते हैं हम स्टेटिस्टिक्स ठीक है तो अब यहाँ पे देखो डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो देर आर टू सोर्सेस दो सोर्सेज से डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं जैसे मान के चलो कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं नाइन्थ क्लास में कुछ बच्चे हैं आपकी क्लास में और आपको जो है उनकी हाइट का डाटा कलेक्ट करना है तो हाइट का डाटा कलेक्ट कैसे करोगे आप हर एक स्टूडेंट के पास जाओगे उसकी उससे पूछोगे भाई आपकी हाइट कितनी, कितनी, कितनी है आपकी हाइट कितनी है आपकी हाइट कितनी है ठीक है अब दूसरा ये तो हुआ एक तरह का डाटा तो इस डाटा को कहते हैं हम प्राइमरी डाटा ठीक है इस तरह का जो डाटा कलेक्शन होता है उसको कहते हैं हम प्राइमरी डाटा क्योंकि प्राइमरी डाटा क्यों कह रहे हैं हम क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए एक स्पेशल पर्पस के लिए वो इन्फॉर्मेशन हम इंडिविजुअल से जाके कलेक्ट कर रहे हैं ठीक है सो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा और अगर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर डे में कितने बच्चे प्रेजेंट थे आपकी क्लास में वो डाटा चाहिए अगर आपको तो वो डाटा कहाँ से मिलेगा वो डाटा मिलेगा आपके स्कूल से तो स्कूल में जाओगे आप रजिस्टर चेक करोगे अटेंडेंस रजिस्टर उसमें आपको डाटा मिल जाएगा तो वो डाटा आपने इंडिविजुअल के पास जाके कलेक्ट नहीं किया है आपने किसी एजेंसी से वो डाटा लिया है सो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा इज नोन सेकेंडरी डाटा सेकेंडरी डाटा किसको बोलते हैं जो डाटा आपने खुद इंडिविजुअल से कलेक्ट नहीं किया है बट कि उस इंडिविजुअल से किसी दूसरी एजेंसी ने कलेक्ट किया है तो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी डाटा समझ में आई बात प्राइमरी और सेकेंडरी ओके okay. अभी पढ़ेंगे हम कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी डाटा तो हमने कलेक्ट कर लिया उस डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है प्रेजेंटेशन कैसे देनी है उसकी उसके अंदर फिर दो तरह के डाटा होते हैं हमारे पास कैसे होते हैं एक रो डाटा होता है रो डाटा क्या होता है वो सब लोअर क्लासेस सिक्स सेवन्थ एट्थ में हम पढ़ चुके हैं कि रो डाटा क्या है जैसे मान के चलो एक एग्ज़ाम्पल दिया है इसमें एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज 14.1 दी है सबसे पहली एक्सरसाइज एक ये दी है आपकी कि इसमें पूछ रहा है कि भाई प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में क्या है एग्जाम्पल एक लेके आपको दिखा देता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो एग्जाम्पल वन कह रहा है कि कंसिडर द मार्क्स ऑप्टेंड बाई टेन स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवेन बिलो एग्जाम्पल वन में कुछ मैथमेटिक्स के बच्चे हैं जिनके मार्क्स इस तरह से हैं फिफ्टी फाइव थर्टी सिक्स नाइन्टी फाइव और सेवेंटी थ्री और सिक्सटी और फोर्टी टू ट्वेंटी फाइव और सेवेंटी एट सेवेंटी फाइव और सिक्सटी टू तो ये दे दिया उसने कुछ डेटा अब इस डेटा से हम कुछ चीज़ें जानेंगे ठीक है देखो अभी ये किसी पर्टिकुलर टेबल फॉर्मेट में नहीं है तो इस डेटा को जो कहते हैं इसको कहते हैं हम रो डेटा क्या कहते हैं इसको रो डाटा रो डेटा इट इज़ ए रो डाटा क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है तो इसीलिए इसको कहते हैं हम रो डाटा लेकिन रो डाटा का सबसे बड़ा नुकसान क्या है अब आपने आपसे किसी ने पूछा कि भाई इस डेटा में इन जो ओबेंड मार्क्स है इन मार्क्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं तो आपको देखना पड़ेगा है ना कि भाई फिफ्टी फाइव ओके फिफ्टी फाइव तो सबसे ज़्यादा नहीं है उसके बाद जो है नाइन्टी फाइव भी आता है है ना नाइन्टी फाइव भी आता है अब आप, आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई नाइन्टी फाइव से ज़्यादा कोई बड़ा बड़ा नंबर तो नहीं है नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव से ज़्यादा कोई बड़ा नंबर नहीं है इसलिए ये जो है मैक्सिमम मार्क्स हैं अब मिनिमम मार्क्स की बात आती है कि भाई आपको फाइंड करना है कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं तो देखोगे आप फिफ़्टी फाइव फिफ्टी फाइव से लोअर कितना है थर्टी सिक्स अब चेक करो थर्टी सिक्स से लोअर कुछ है नहीं 95 फाइव भी इससे लोअर नहीं है 73 थ्री भी इससे लोअर नहीं है 60 भी इससे लोअर नहीं है 42 टू भी इससे लोअर नहीं है ट्वेंटी फाइव इससे लोअर है ओके अब सबसे लोअर मार्क्स हो गए 25 पहले तक क्या था 36 था अभी 25 हो गया अब आपको चेक करना है कि 25 से लोअर तो कोई नहीं है ओके ये भी इससे लोअर नहीं है तो ट्वेंटी फाइव यहाँ लोएस्ट मार्क्स हो गए लेकिन क्या एक नज़र में देखते ही आपको ये चीज़ पता चल गई थी बिल्कुल नहीं हमें फाइंड करना पड़ा है ठीक है तो रो डाटा का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इससे जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन चेक करने में देर लगती है तो इसको क्या करेंगे हम अब हम इसको एक अरेंज वे में लिख लेंगे तो अरेंज कैसे करोगे आप या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो एडवांटेज क्या होगा उसका एडवांटेज ये होगा कि एक सिक्वेंशली आपको मिल जाएंगे मार्क्स तो इसको हम लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन सा है ट्वेंटी फाइव है उसके बाद थर्टी सिक्स है उसके बाद ट्वेंटी फाइव हो गया थर्टी सिक्स हो गया फिर है फोर्टी टू फोर्टी टू हो गया उसके बाद कितना है फिफ्टी फाइव है फिफ्टी फाइव है उसके बाद कितना है उसके बाद है सिक्सटी टू ओके उसके बाद हो गया आपका सेवेंटी थ्री उसके बाद हो गया सेवेंटी फाइव सेवेंटी थ्री हो गया सेवेंटी फाइव हो गया उसके बाद सेवेंटी एट हो गया उसके बाद कितना हो गया सॉरी एक सिक्सटी रह गया बीच में तो फिफ्टी फाइव के बाद में सिक्सटी भी आएगा और सिक्सटी के बाद में सिक्सटी टू भी आएगा ठीक है सिक्सटी भी हो गया सिक्सटी टू भी हो गया नाइन्टी फाइव लिख देते हैं हम यहाँ पर हो गया आपका नाइन्टी फाइव ठीक है कोई डाटा बच गया नहीं बचा है ठीक है तो ये हो गया आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कोई डेटा आपका नहीं बचा है तो अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का फायदा क्या हुआ सबसे कम मार्क्स किसके हैं ये आप बता सकते हो बिल्कुल इजीली सबसे कम ये हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है ये हैं ठीक है थीके? और तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है ठीक है तो आप रो डाटा को अरेंज करने के बाद में इजीली उसको एनालिसिस कर सकते हो ठीक है ओके okay. अब एग्जांपल नंबर अब इसमें एक रेंज भी बात आती है कि रेंज क्या होती है किसी डाटा का रेंज क्या है तो रेंज का मतलब क्या है कि जो इसमें लोएस्ट रीडिंग है और हाईएस्ट रीडिंग है उनके बीच का डिफरेंस उसको रेंज कहते हैं हम तो रेंज ऑफ डाटा क्या हो जाएगी रेंज ऑफ डाटा विल लो हाइस्ट माइनस लोएस्ट तो कितना आ गया सेवेंटी तो इस डाटा की जो रेंज है वो कितनी है सेवेंटी है तो इस तरह से हमें बताना है ओके okay. अब देखो ये तो केवल दस नंबर का दस नंबर ही था दस ही डाटा दस दस लोगों का ही डाटा कलेक्शन था अगर डाटा कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो फिर कैसे करेंगे हम कोई चीज़ अगर यहाँ पे रिपीट हो जाती है तो कैसे करेंगे तो उसका भी करने का तरीका है ठीक है तो उसको हम क्या करेंगे उसको हम टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज कर लेंगे तो टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करने से हमारा और भी सिंपल हो जाएगा किसी डाटा को एनालिसिस करना ठीक है ओके okay. अब जैसे मैं एग्जांपल नंबर टू लिखता हूँ इसमें क्वेश्चन आप देख लेना क्वेश्चन क्योंकि लिखूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा कंसीडर द मार्क्स ऑफ आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स बाय थर्टी स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देर आर थर्टी थ्री जीरो थ्री जीरो स्टूडेंट्स हैं उसमें क्लास नाइन्थ में तो उसमें कुछ उसने जो है मार्क्स दिए हैं किस किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स ठीक है तो ये कह रहा है कि रिकॉल द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स इज कॉल द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज मार्क्स कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन बच्चों के सेम मार्क्स आए होंगे है ना तो उसको हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी तो जैसे हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं इस डेटा से हमने क्या बनाया एक टेबल बनाया तो सबसे पहले हम ये देखेंगे तो टेबल को भी कैसे अरेंज करेंगे हम टेबल को हम अरेंज कर लेते हैं एक एक टेबल एक एक कॉलम में लिखते हैं मार्क्स एक में लिखते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो दैट तो इज इस, इसका मतलब क्या है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी किसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं तो उसको कहेंगे उस मार्क्स की फ्रीक्वेंसी ठीक है जैसे ये डेटा अगर आप देखोगे तो इस डेटा में यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिख लेते हैं कि भाई सीरियल नंबर वन वन में क्या है सबसे कम मार्क्स हम लेंगे क्योंकि डेटा को क्या करेंगे हम असेंडिंग uh, ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो सबसे कम जो मार्क्स है यहाँ पे टेन मार्क्स हैं और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके टेन मार्क्स आए हैं ऐसे स्टूडेंट हैं टोटल वन ठीक है अब नंबर टू में क्या लिखेंगे हम जो इससे अगले वाले मार्क्स होंगे अगले वाले मार्क्स कितने हैं ट्वेंटी तो ट्वेंटी मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं वो भी वन आए हैं तीसरा डाटा हम ले लेंगे जो नेक्स्ट मार्क्स हैं वो है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं थ्री स्टूडेंट के यहाँ पर थर्टी सिक्स मार्क्स हैं और चौथा जो डाटा है उसमें क्या 40 marks. 40 marks है फोर्टी मार्क्स फोर्टी मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं हमारे पास चार उसके बाद सीरियल नंबर फाइव फाइव में क्या है फिफ्टी मार्क्स फिफ्टी मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं थ्री हैं उसके बाद नेक्स्ट फिफ्टी के बाद है फिफ्टी सिक्स मार्क्स फिफ्टी सिक्स मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं हमारे पास टू सीरियल नंबर सेवन लिया तो उसके बाद है सिक्सटी मार्क्स सिक्सटी मार्क्स वाले स्टूडेंट है हमारे पास फोर ठीक है और फिर उसके बाद लिया सेवनटी मार्क्स सेवेंटी मार्क्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो हमारे पास फोर फो सेवेंटी मार्क्स के बाद है सेवेंटी टू मार्क्स सेवेंटी टू मार्क्स में वन स्टूडेंट हमारे पास है और उसके बाद है एट्टी मार्क्स एट्टी मार्क्स वाले स्टूडेंट है हमारे पास वन फिर जो है एट्टी के बाद आया एट्टी एट एट्टी एट मार्क्स वाले स्टूडेंट हमारे पास है टू उसके बाद है नाइन्टी टू तो नाइन्टी टू वाले स्टूडेंट हैं थ्री और सीरियल नंबर थर्टीन लास्ट है नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव वाले जो स्टूडेंट है वो वन है ठीक है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे हम हम यहाँ टोटल कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितने होने चाहिए हमारे थर्टी होने चाहिए तो इनको अगर आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए वो थर्टी आना चाहिए सो वन वन टू टू थ्री फाइव फाइव फोर नाइन नाइन थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व टू फोर्टीन फोटीन एंड एट ट्वेंटी ट्वेंटी एंड थ्री टू फाइव फाइव टू सेवन सेवन एंड एट तो ये हो गया आपका थर्टी टोटल स्टूडेंट्स ठीक है तो यहाँ पे इस तरह से हमें जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इस टेबल को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक है ओके लेकिन इसका नाम क्या है इसको या तो कह लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसका नाम है फ्रीक्वेंसी या इसको कह देते हैं अनग्रुप्ड भी इसको कह देते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक है अनग्रुप्ड क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं की है हमें अभी अगर ग्रुपिंग भी कर देंगे इसकी ग्रुपिंग का मतलब है कि यहाँ पे क्या है पर्टिकुलर बाई टेन मार्क्स से इतने मार्क्स वाले बंदे इतने हैं हमारे पास तो उसको ग्रुपिंग बोलते हैं कि इतने का इतने इतने लोगों का आप ग्रुप बना दो अभी देखो ये तो खाली तीस स्टूडेंट थे तो हम तीस स्टूडेंट को लिखने के लिए हमें कितने कॉलम की जरूरत पड़ी कितने रो की जरूरत पड़ी यहाँ पे थर्टीन रो की जरूरत पड़ी है अगर स्टूडेंट्स मान लो थाउजेंड हो हंड्रेड हो तो ऐसा थोड़ा है कि हम यहाँ पे पूरी ये टेबल बढ़ाते चले जाएंगे और तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तो हम क्या करते हैं ग्रुपिंग कर लेते हैं छोटे छोटे ग्रुपिंग कर लेते हैं जैसे भाई टेन मार्क्स से ट्वेंटी मार्क्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं ट्वेंटी से थर्टी वाले कितने हैं कितने हैं तो एक पर्टिकुलर हम ग्रुपिंग लगा देते हैं ठीक है तो उसको कहते हैं इसको कहते हैं अं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और जो हम आगे अभी सीखेंगे उसको कहेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है क्योंकि अगर लार्ज नंबर ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल हो तो उसको यहाँ पे टेबल में अरेंज करने के लिए ग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी ठीक है ओके okay. तो ये सीख लिया आपने कि भाई अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कैसे बनाया जाता है अब अगर बहुत सारा डाटा आपको दे दिया है जैसे अगले अगला जो एग्जाम्पल है उसमें कितना डाटा है उसमें हंड्रेड स्टूडेंट्स का डाटा है हंड्रेड प्लांट्स का डाटा है ठीक है हंड्रेड प्लांट्स हैं ईच वर प्लांट इन हंड्रेड स्कूल ड्यूरिंग वन महोत्सव आफ्टर वन मंथ द नंबर ऑफ प्लांट्स दट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड एज अब देखो कितने हंड्रेड प्लांट्स उसने प्लांट किए थे वन महोत्सव के दौरान तो अब हंड्रेड प्लांट्स का डाटा यह दिया गया है देखो यह एग्जाम्पल दिया है हंड्रेड प्लांट्स का डाटा इसने दिया है तो इसकी ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी है ठीक है ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी है तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं हमें तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी ठीक है तो टेबल बना लेते हैं हम उस टेबल में जो सबसे पहली जो कॉलम रखेंगे वो रखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड तो टेबल जिससे कि हमारी बहुत बड़ी ना बनानी पड़े हमें हंड्रेड प्लांट्स तक की टेबल बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहां पर लिख लेते हैं हम मार्क्स ठीक है टेली मार्क्स लिख लो नहीं तो यहां पर सिंपल आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो जरूरी नहीं है कि टेली मार्क्स ही लिखो ठीक है लिखना चाहो लिख लो आपकी बुक में दिया है बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है और यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ स्कूल्स ठीक है और यहां पर लिखोगे आप फ्रीक्वेंसी ओके अब नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव्ड तो अब यहाँ पे 20 से 29 हमने ग्रुपिंग बना ली 20 से 29 पहली ग्रुपिंग ठीक है दूसरी ग्रुपिंग हमने 30 से 39 वाली बना ली 30 से 39 एक ग्रुपिंग हमने बना ली 40 से 49 ओके एक ग्रुपिंग बना ली हमने 50 से 59 फिफ्टी से फिफ्टी नाइन अभी ये समझा देता हूँ आपको अच्छे से कैसे हुआ सिक्सटी से सिक्सटी नाइन और 70 से सेवेंटी नाइन उसके बाद एट्टी से एट्टी नाइन उसके बाद नाइन्टी से नाइन्टी नाइन ठीक है ओके अभी देखो ये क्या है अभी ये डेटा दिया है आपके पास डेटा क्या दे रखा है ये हंड्रेड प्लांट्स ईच और प्लांट इन हंड्रेड स्कूल ड्यूरिंग वन महोत्सव आफ्टर वन मंथ द नंबर ऑफ प्लाट्स दैट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड एज इतने नंबर ऑफ प्लांट्स ने सर्वाइव किया है हंड्रेड प्लांट plant उन्होंने प्लांटेशन किया था इतने प्लांट्स ने जो है सर्वाइव किया है हंड्रेड स्कूल में ठीक है हंड्रेड प्लांट्स ईच व प्लांट इन हंड्रेड स्कूल हंड्रेड स्कूल के अंदर उनको प्लांट किया गया था तो अब देखो ट्वेंटी से ट्वेंटी नाइन प्लांट कितने स्कूलों में सरवाइव किए हैं ट्वेंटी से ट्वेंटी नाइन जो सरवाइव हुए हैं वो तीन स्कूल में सरवाइव हुए हैं तो तीन का यहाँ पे सॉरी तीन को टैली टैली में कैसे लिखते हैं तीन खड़े डंडे लगा दो बस ठीक है तो तीन हो जाएगा तो नंबर ऑफ प्लांट जो ट्वेंटी से ट्वेंटी नाइन प्लांट जो सरवाइव हुए हैं वो कितने स्कूलों में सरवाइव हुए हैं केवल तीन स्कूलों में ट्वेंटी से ट्वेंटी नाइन प्लांट सर्वाइव हुए हैं तो ऐसे स्कूलों की संख्या कितनी है तीन है थर्टी से थर्टी नाइन प्लांट अगर सर्वाइव हुए हैं थर्टी से थर्टी नाइन प्लांट सर्वाइव करने वाले कितने स्कूल हैं ऐसे स्कूल है फोर्टीन तो फोर्टीन को टैली में कैसे लिखोगे फाइव और फाइव टेन और फोर्टीन तो ऐसे प्लांट्स ऐसे स्कूल हैं फोर्टीन जिनमें थर्टी से थर्टी नाइन प्लांट सर्वाइव किए हैं उसके बाद फोर्टी से फोर्टी नाइन वाले जो स्कूल हैं वो हैं आपके 12 ट्वेल्व को टैली में कैसे लिखना है फाइव और फाइव टेन और ये हो जाएंगे ट्वेल्व फिफ्टी से फिफ्टी नाइन वाले कितने हैं एट है एट को टैली में लिख लो ठीक है ये आपके टेबल में सब कुछ दिया है जो रो डेटा आपको दिया है उसमें लिखा है सब कुछ ठीक है उसके बाद सिक्सटी टू सिक्सटी कितने हैं एटीन है टेली में कैसे लिखना है ये फाइव हो गया फाइव हो गया टेन फाइव फिफ्टीन और थ्री एट्टीन ठीक है उसके बाद सिक्सटी टू सिक्सटी नाइन हो गया सेवेंटी टू सेवेंटी नाइन हो गया टेन तो टेन को टैली में लिख दो टेन हो गए हमारे ठीक है एट्टी टू एट्टी नाइन ट्वेंटी थ्री है बहुत बड़े हैं तो ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें एट्टी टू एट्टी नाइन प्लान्टवाइव किए हैं ट्वेंटी थ्री तो ये हो गया आपके ट्वेंटी थ्री और टू प्लांट देखो हंड्रेड प्लांट किसी में भी सरवाइव नहीं हुए हैं ठीक है थीके? तो इसीलिए डाटा जो है नाइन्टी टू नाइन्टी नाइन लिया गया है वो ओके तो नाइन्टी से नाइन्टी नाइन जिस स्कूल में प्लांट सरवाइव हुए हैं ऐसे नंबर ऑफ स्कूल की संख्या कितनी है ट्वेल्व है यहाँ पे फिर आपको टोटल करना है टोटल कितना आना चाहिए स्कूल नंबर ऑफ स्कूल कितने हैं हमारे पास हंड्रेड है तो यहाँ पर टोटल डाटा का जो आएगा वो आएगा 100 अब देखो इसमें क्या किया आपने इसका जो डाटा आपने लिया है वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे इसको क्यों कहेंगे क्योंकि अगर आपको लिखना पड़ता इस तरह से तो भाई पहले लिखते आप कि भाई एक प्लांट किस स्कूल में सरवाइव किया है तो वहाँ पे लिखोगे जीरो फिर दो प्लांट किस में सरवाइव किए हैं वहाँ पर जीरो लिखोगे तीन प्लांट तो इस तरह से बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी उसमें हंड्रेड सीरियल नंबर हो जाएंगे बट यहाँ पे हंड्रेड सीरियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है हमने क्या किया है दस दस का हमने एक ग्रुप बना लिया इसका तो बीस से बीस सबसे मिनिमम जो प्लांट सर्वाइवल है वो कितना है ट्वेंटी है जो आपका डाटा जो दिया है उसमें मिनिमम प्लांट सर्वाइवल दिया है उसने ट्वेंटी और मैक्सिमम प्लांट सर्वाइवल दिया है उसने नाइन्टी तो हमने क्या किया इसको एक पर्टिकुलर जो है ग्रुप મે ડિવાઇડ કર લિયા કિતને કિતને 10 10 કે ગ્રુપ મે હમણે ઉસકો ડિવાઇડ કર લિયા તો 20 સે લેકે 29 તક વાલે જો પ્લાન્ટ હે કિતને સ્કૂલો મે સર્વાઇવ હુએ વો 3 સ્કૂલો મે સર્વાઇવ કિયે ઓર 30 સે 39 વાલે પ્લાન્ટ જો હે વો 14 સ્કૂલ હે 40 સે 49 પ્લાન્ટ વાલે સ્કૂલ હે 12 તો ઇસ તરહ સે આપ હમણે જો હે ઉનકો ગ્રુપિંગ કર દિયા હે ઠીક હે અબ ઇસમે જો હે દો ચીજે આતી હે અબ યે જો મેને لکھا હે યહાં પે 20 સે 29 इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं क्लास ये जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन लिखा है थर्टी टू थर्टी नाइन लिखा है फोर्टी टू फोर्टी नाइन लिखा है इसको क्या कहते हैं हम क्लास ठीक है अब क्लास में क्या है ये वाली जो है लोअर क्लास है ट्वेंटी इसको कहते हैं लोअर क्लास और इसको कहते हैं हम अपर क्लास ठीक है ये ऊपर वाली रेंज है ये नीचे वाली रेंज है तो इसको लोअर क्लास कहेंगे इसको अपर क्लास कहेंगे और जो ये विड्थ है विड्थ कितनी है यहां पे ट्वेंटी से लेके ट्वेंटी नाइन टोटल कितने हो गए टेन तो इसको कहेंगे इसकी विड्थ ठीक है विड्थ ऑफ द क्लास विड्थ ऑफ द क्लास इसमें देखो 20 से 29 ऐसा नहीं समझना इसको कि भाई 29 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा नाइन आएगा तो उसको ऐसे विथ्थ विथ्थ हम ऐसे चेक नहीं करते हैं ठीक है उसमें क्या है आपका ट्वेंटी भी इंक्लूड रहेगा समझ गए बात ट्वेंटी इंक्लूड रहेगा तो ट्वेंटी जब काउंट करोगे ट्वेंटी नाइन तक कितने हो जाएंगे ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन ठीक है तो अब इसमें क्या है कि आपका ट्वेंटी भी काउंट होगा तो आपने क्या किया दस दस की एक क्लास बना ली इसको पंद्रह भी पंद्रह की क्लास भी बना सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है लेकिन हम जनरली क्या करते हैं हम दस दस की ही क्लास बनाते हैं दस से ज़्यादा क्लास नहीं बनाते हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो ये हो गया इसका वेट ऑफ द क्लास तो इस तरह से इस इस जो ये जो टेबल बनी है आपकी इस टेबल को कहते हैं हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ओके ओके okay, तो अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं उस एग्जांपल में मैं डायरेक्टली एक टेबल बना देता हूं आपको ठीक है अब थोड़ा सा इसमें भी एम्बिगुटी आ सकती है कि भाई ग्रुपिंग हम कहां से कहां तक करें ओके क्योंकि आपके पास तो रो डाटा दिया होगा ग्रुपिंग आपको खुद करनी पड़ेगी तो एक कलेक्शन है क्या कलेक्शन है कि वेट एक क्लास के अंदर जो है वेट लिया गया कुछ बच्चों का तो मैं यहाँ पे ग्रुपिंग के हिसाब से उनका वेट लिख रहा हूँ यहाँ पे है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वेट उनका केजी में है तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अब यहाँ पे वेट लिया उसमें क्लास ली उन्होंने थर्टी वन से थर्टी फाइव पहली क्लास तो ऐसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ गए नाइन उसके बाद दूसरी क्लास ली थर्टी सिक्स से फोटी उसमें आ गए फाइव तीसरी क्लास जो ली वो ली फोर्टी वन से लेके फोटी फाइव एक क्लास ली उन्होंने फोर्टी सिक्स से लेके फिफ्टी एक क्लास ली फिफ्टी वन से लेके फिफ्टी फाइव देखो इसका क्लास विट सेम रहता है क्लास विथ में डिफरेंस नहीं होता है फोर्टी फिफ्टी वन से फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स से लेके सिक्सटी और सिक्सटी वन से लेके सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स से ले कर ले कर सैवेंटी सिक्सटी सिक्स से ले कर और 71 से लेके 75 ठीक है तो ये जो है उन्होंने क्या किया है ग्रुपिंग किया है अब इस ग्रुपिंग में देखो एक एम्बिक्यूटी है क्या एम्बिक्यूटी है अगर किसी बच्चे का वेट जो है 35.5 हो जाए तो वो कहाँ पे रखेंगे हम उसको ये लिख लेते हैं डेटा पहले ऐसे बच्चे जिनका वेट 41 से 45 के बीच है ऐसे बच्चे 14 हैं 46 से 50 वाले बच्चे जो हैं वो थ्री हैं फिर वन टू टू वन वन ठीक है ओके okay. अभी किसी बच्चे का वेट अगर थर्टी फाइव पॉइंट फाइव हो जाए तो उसको कहाँ पे रखेंगे थर्टी फाइव पॉइंट फाइव के जी वेट हो गया तो उसे कहाँ पे रखना पड़ेगा हमें देखो यहाँ भी नहीं रख सकते हम थर्टी वन से थर्टी फाइव की क्लास बना दी हमने तो इसके अंदर तो याता नहीं है और थर्टी सिक्स से लेके कर फोर्टी बना दी तो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव कहाँ जाएगा उसको भी तो कहीं रखना पड़ेगा हमें नहीं तो हमारी कैलकुलेशन तो रॉन्ग हो जाएगी एक बच्चे का वेट थर्टी फाइव थर्टी फाइव पॉइंट फाइव है और दूसरे बच्चे का वेट मान लेते हैं फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव है फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव या फोर्टी पॉइंट फाइव ले लो ठीक है एक बच्चे का वेट है फोर्टी पॉइंट फाइव तो उसको कहाँ रखोगे उसको भी नहीं रखोगे कहीं भी क्योंकि ना तो ये इसको रख सकते हैं आप और ना ही इसको रख सकते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है तो सोल्यूशन इसका ये है कि आपने जो क्लास ली है वो क्लास गलत ली है उस क्लास को ठीक करना पड़ेगा आपको कैसे ठीक करते हैं उसको देखो इसके बीच कितना डिफरेंस है थर्टी फाइव से थर्टी सिक्स के बीच का डिफरेंस कितना है वन है तो हम क्या करेंगे कि इसको इसका आधा ले लेते हैं थर्टी सिक्स और थर्टी फाइव का जो डिफरेंस है उसका हाफ कर दो तो ये हो जाएगा वन बाई टू यानी कि पॉइंट फाइव हो जाएगा ठीक है तो आप जो करो आप एक काम करते हो करो कि अपनी क्लास को थोड़ा सा आगे पीछे खिसकाना पड़ेगा हमें है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा ये जो थर्टी वन लिया था हमने इसको हम कर देते हैं इसमें से हाफ माइनस कर दो और थर्टी फाइव में हाफ़ प्लस कर दो समझ आई बात तो हमने क्या किया इसको इसको कर दिया हमने थर्टी पॉइंट फाइव और इसको कर दिया हमने नई जो हमारी क्लास बनी वो बन गई हमारी थर्टी पॉइंट फाइव पहली जो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये बन गई थर्टी पॉइंट फाइव और इसमें प्लस कर दिया तो ये बन जाएगी थर्टी फाइव पॉइंट फाइव दूसरी जो क्लास बनेगी वो क्या बनेगी इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगी आपकी थर्टी फाइव पॉइंट फाइव और ये हो जाएगी आपकी फोर्टी पॉइंट फाइव ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि क्लास के बीच में गैप नहीं रखना है भाई यहाँ थर्टी फाइव था और यहाँ पे थर्टी सिक्स था तो क्लास जो है वो कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए थर्टी पॉइंट फाइव से लेके 35.5 थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तक लिया हमने तो अगली जो क्लास बनेगी उसमें गैप नहीं होना चाहिए तो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव से लेके 40.5 फोर्टी पॉइंट फाइव बनेगी है ना ये वाली जो बनेगी वो कितनी बनेगी फोर्टी पॉइंट फाइव से लेके 45.5 तक बनेगी ये बनेगी आपकी 45.5 से लेके 50.5 तक ये बनेगी 50 uh, 50.5 से लेके 56. Uh, uh, 55.5 तक बनेगी ये वाली बनेगी 55.5 से लेके 60.5 तक ठीक है ये वाली जो बनेगी बनेगी 60.5 से लेके 65.5 तक और ये बनेगी सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव से लेके 70.5 सेवेंटी पॉइंट फाइव के बीच में और ये बनेगी सेवेंटी पॉइंट फाइव से लेके सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव के बीच में समझ के बात तो अभी देखो अब यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि भाई यहाँ पे भी आपने थर्टी फाइव पॉइंट फाइव लिखा है यहाँ पे भी थर्टी फाइव पॉइंट फाइव लिखा है तो इसको आखिर रखेंगे कहाँ भाई ये तो थर्टी पॉइंट फाइव है इसको तो यहाँ भी रखना है और यहाँ भी रखना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ uh, कितने हो जाएंगे आपके स्टूडेंट वो एक ऐड हो जाएगा इसमें भी एक ऐड हो जाएगा और फोर्टी पॉइंट फाइव में क्या होगा उसको यहाँ भी रखना पड़ेगा यहाँ भी रखना पड़ेगा तो एक ये ऐड हो जाएगा और एक ये ऐड हो जाएगा अब देखो ये भी गलत चीज़ है क्या गलत है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने ऐड होने हैं दो ऐड होने हैं लेकिन आपने कितने ऐड कर दिए चार ऐड कर दिए यहाँ पे तो गलत हो गया तो इसको सही करने का तरीका क्या है तो कन्वेंशनली हम क्या करते हैं कि जैसे हमें मान लो 35.5 रखना है तो 35.5 जो रखेंगे हम वो रखेंगे हम इस वाली क्लास के अंदर ठीक है जहां से क्लास शुरू हो रही है लास्ट वाली जो अगर आपकी क्लास और वो क्लास दोनों वो डिजिट अगर सेम हो रही है तो उसको इसमें ना रख के उसको हम कैस में रखेंगे अगली वाली उसमें रखेंगे क्योंकि यहाँ से ये शुरू हो रहा है ठीक है समझ में आई ना बात तो ये लास्ट वाली क्लास जो है वो अपने से थोड़ा सा पहले ख़त्म हो जाती है और ये वाली क्लास यहाँ से शुरू होती है तो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव को हम कहाँ रखेंगे वो सेकेंड वाली क्लास के अंदर रखेंगे इसके अंदर नहीं रखेंगे अब बात आती है कि फोर्टी पॉइंट फाइव फोर्टी पॉइंट फाइव को यहाँ नहीं रखेंगे हम कहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे क्यों रखेंगे क्योंकि फोर्टी पॉइंट फाइव जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है समझ में आई बात तो इस तरह से आपको जो है करना है तो एम्बिग्यूटी क्लियर हो गई अगर इस तरह से आपको डाटा दिया है जहाँ पे तो क्लास के शुरू में उस डिजिट को अगर आ रही है तो उसको शुरू वाली जो क्लास होगी उसके अंदर इंक्लूड करना है लास्ट वाली के अंदर इंक्लूड नहीं करना है ठीक है तो ये हुई बात आपकी ओके okay. तो कन्वेंशन तरीका हमारा यही है ओके okay. यही चीज़ आपको फॉलो करनी है तो यहाँ पे क्या होगा के इसमें हो जाएंगे सिक्स और इसमें हो जाएंगे फिफ्टी फिफ्टीन ठीक है ओके इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज नंबर फोर्टीन पॉइंट टू फोर्टीन पॉइंट टू एक्सरसाइज में दो काम करने हैं आपको एक तो ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है और एक अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी टेबल आपको बनानी है ओके तो 14.2 एक्सरसाइज हो जाएगी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिएगा मुझे मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी आपके बहुत बहुत वेलकम है सजेशन भी आप अपने दे सकते हैं और किसी पर्टिकुलर अगर लेक्चर पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर इस लेक्चर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप प्लीज़ वीडियो बना दीजिए तो वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ तो फोर्टीन एक्सरसाइज हो जाएगी अगर डाउट आते हैं तो मुझे पूछ लेना उसके बाद पढ़ेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो डेटा का है देखो ये हो गया आपका स्टेटिक डाटा डेटा हो गया ये ठीक है इसको आपने टेबल फॉर्मेट में लिखा है अब एक और भी तरीका है कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो तरीका क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तीन तरीकों से किया जा सकता है पहला है आपका बारग्राफ बारग्राफ लोअर क्लासेस में एट्थ क्लास के अंदर सेवन क्लास के अंदर हमने बारग्राफ पढ़ा है तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा हिस्टोग्राम भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है हिस्टोग्राम के बारे में तो इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि इसमें देखो हिस्टोग्राम जो आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि आपका जो क्लास का जो साइज़ है वो वैरी नहीं होता है बट यहाँ पे क्लास का साइज़ भी वेरी होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए अभी तक आपने नहीं पढ़ा है लोअर क्लासेस में बट बार ग्राफ आप पढ़ चुके हो तो इस टॉपिक को मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा थोड़ा सा एक हल्का सा एक एग्जाम्पल लूँगा उसके थ्रू आपको इसको समझाऊँगा ठीक है तो बार ग्राफ में क्या है जैसे हम एक एग्जाम्पल नंबर फाइव ले, ले लेते हैं तो कह रहा है कि इन्हें पर्टिकुलर सेक्शन देखो सबसे पहली बात है जो ग्राफ के अंदर हम चीज़ें दिखाते हैं उसमें दो एक्सिस हमें लेने पड़ते हैं एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं हम और एक वाई एक्सिस ले लेते हैं ये जो हमारा इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसको वर्टिकल एक्सिस क्योंकि यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखानी है सबसे और और एक चीज़ ये भी है कि जो बार ग्राफ आप दिखाते हो ये बार ग्राफ आपको ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना होता है ठीक है हमेशा इसको जब भी बनाओगे आप किसी भी ग्राफ को चाहे वो बार ग्राफ हो हिस्टोग्राम हो या फिर फ्रिक्वेंसी पॉलीगन हो कभी भी आप अगर इस तरह के ग्राफ बनाते हो तो हमेशा ग्राफ पेपर का ही इस्तेमाल करना है ठीक है ओके अभी उसने एग्जाम्पल नंबर फाइव में दिया है मैं उसको बना देता हूँ ग्राफ दिया है उसका हमें इंटरप्रिटेशन करना है कुछ फॉलोइंग क्वेश्चन हैं उनके हमें आंसर देने हैं ठीक है ओके तो बार ग्राफ किसका है ये फोर्टी स्टूडेंट्स का है और इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास नाइन्थ फोर्टी स्टूडेंट्स वर आस्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वॉज प्रिपेयर फॉर द डाटा सो ओपटेंड तो यहाँ भाई किस किस का जो बर्थडे कब कब आता है किस किस महीने में आता है उसका ग्राफ दिया गया है तो ग्राफ किस तरह से दिया है उसको हम थोड़ा इंटरप्रेट करेंगे तो ये हो गया वन टू थ्री इस एक्सिस पे और ये हो गया आपका फोर उसके बाद हो गया फाइव सिक्स और सेवन ठीक है तो जनवरी मंथ में कितने कितनों का डेट ऑफ बर्थ था जनवरी मंथ में जो बच्चे पैदा हुए आपकी क्लास में वो पैदा हुए कितने थ्री ये दिया है उसने ठीक है तो बार ग्राफ ये जो है इस तरह से दिया है उसके बाद ये हो गया डेटा किसका जनवरी का अब देखो जितना गैप यहाँ पे दिया है उतना ही गैप यहाँ पे दो तो सेम गैप पे ये जो बार जो बनेंगे वो सेम गैप पे बनेंगे फेबरवरी में आपके फोर बच्चे हैं जिनका बर्थडे फेब में आता है तो ऐसे बच्चे कितने हैं फोर हैं और हमेशा जब भी आप बार ग्राफ बनाओगे तो इनकी जो विथ्थ रहेगी वो सेम रहेगी ठीक है आपको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ऑटोमेटिकली एक एक, एक यहाँ पे गैप दे देना और एक यहाँ पे ये यह जो बार बनाओगे वो एक सेंटीमीटर का स्केल लेके और उसके हिसाब से बार ग्राफ बना देना एक सेंटीमीटर गैप छोड़ देना एक में बार बना देना ठीक है ये हो गया फेब्रवरी तो ऐसे बच्चे जिनका जन्म फेब में हुआ है ऐसे बच्चे कितने हैं फोर बच्चे हैं मार्च में जिनका जन्म हुआ है ऐसे बच्चे दो बच्चे हैं तो ये जो बार बनेगा वो ऐसा बन जाएगा ओके तो ये यहां पर लिखना पड़ेगा आपको मार्च अप्रैल में जो है वो भी दो ही हैं तो अप्रैल वाले भी दो ही लिख दो ये हो जाएगा अप्रैल उसके बाद मई में पांच बच्चे हैं तो मई में पांच ऐसे लिखोगे आप तो मई का जो ग्राफ बनेगा बार वो ऐसा बनेगा तो ये हो जाएगा मई उसके बाद जून में केवल एक बच्चा है तो जून का हो गया ये ओके ये हो गया जून उसके बाद जुलाई में दो बच्चे हैं ठीक है इसी तरह से आप जो है देखो इसको आगे भी बना सकते हो आगे भी बन जाएगा दिसंबर तक हमें लिखना है तो मेनली मैं आपको एक इसमें जो क्या 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 चीज़ें होती हैं बारग्राफ के अंदर कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं वो मैं सिखाता हूँ हाउ मैन स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवम्बर तो नवंबर का जो ग्राफ है उसमें आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें चार बच्चे बॉर्न हैं उसको आगे भी बनाओगे तो नवंबर में चार बच्चे बोर्न हुए हैं इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब इस ग्राफ के अंदर देखोगे तो वो सबसे लंबी जो बिल्डिंग जा रही है वो किस में जा रही है अगस्त में जा रही है जैसे आजकल आप मैच देखते हो तो मैच के अंदर क्या है ओवर के हिसाब से वो क्या करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं तो कमेंटेटर क्या कहता है कि भाई सबसे बड़ी बिल्डिंग किस वाले ओवर में हुई है तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा रन किस ओवर में बनाए गए हैं तो जिसकी बिल्डिंग सबसे लंबी होगी उसके सबसे ज़्यादा रन है किस ओवर में सबसे कम रन बनाए गए हैं तो जिसकी बिल्डिंग सबसे छोटी होगी उस ओवर में सबसे कम रन बने हैं ठीक है ठीके? तो बारग्रह बहुत सिंपल है आपने क्लास लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हो मैं इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा ठीक है उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर सिक्स भी है बहुत ईजीली हो जाएगा आराम से उसको भी आप कर लेना उसके बाद पढ़ेंगे हम हिस्टोग्राम ठीक है हिस्टोग्राम जो अभी अभी डाटा हमने तैयार किया था उस डाटा को हम हिस्टोग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे तो हिस्टोग्राम भी इसी तरह का होता है बट हिस्टोग्राम में क्या है कि जो आपका जो क्लासेस हैं वहाँ पे क्या है डाटा जो हमने बनाया था वो किस में बनाया था कस्ट कंटिन्यूस क्लास के लिए हिस्टोग्राम का यूज होता है ठीक है जहाँ पे क्लास जो है कंटिन्यूस हो तो हम एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे वेट जो हमने पिछली वाली जो टेबल बनाई थी वो बनाई थी थर्टी से थर्टी पॉइंट फाइव से लेके कर थर्टी फाइव पॉइंट फाइव और ये है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव से लेके कर फोर्टी पॉइंट फाइव वेट है किस में के के अंदर वेट है जो अभी अभी डेटा जो हमने पढ़ा था तो फोर्टी पॉइंट फाइव से ले कर फाइव पॉइंट फाइव और फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव से ले कर 50.5 और 50.5 से लेके 55.5 और 55.5 से लेके 60.5 ठीक है तो ये ये डाटा है इसका क्या है कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का वेट इतना है वो उसने दिया है तो यहाँ पे क्या करना है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिख लो या इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं हम है ना कितना फ्रीक्वेंसी है तो ऐसे बच्चे जिनका वेट थर्टी से इतना है ऐसे बच्चे जो है नाइन है नाइन सिक्स फिफ्टीन थ्री वन एंड टू और टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ पे थर्टी सिक्स बच्चों का वेट किया गया है तो ऐसे बच्चे कितने हैं वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर थर्टी सिक्स ठीक है 36, ओके okay. अभी हमें इसको किससे रिप्रेजेंट करना है देखो एक तो टेबुलर फॉर्मेट हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का इस डाटा को दूसरा इस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम हिस्टोग्राम की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हिस्टोग्राम मतलब जहाँ पे कंटिन्यूस क्लास हो भाई ये 30 से लेके 35.5 है फिर अगेन 35.5 से लेके 40.5 है तो यहाँ पे गैप नहीं है अगर गैप है तो वहाँ बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है अगर यहाँ पे गैप नहीं है तो फिर हम यूज़ करते हैं हिस्टोग्राम का गैप वहाँ तो था क्योंकि जनवरी था फरवरी था अलग अलग मंथ थे वो तो वहाँ पे गैप था यहाँ पे कंटिन्यूस हमें बनाना है तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं हिस्टोग्राम भी बार ग्राफ के जैसा ही है डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है लेकिन देखो यहाँ पर क्या है ये ग्राफ आपका जीरो से शुरू होता है तो अब जीरो तो इसमें है नहीं कहीं थर्टी पॉइंट फाइव से तो शुरू है क्लास तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से किंग करके बना देते हैं ठीक है थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं इसको तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं मान लेते हैं तो इसका नाम क्या रखेंगे इस इस पॉइंट का नाम है थर्टी पॉइंट फाइव और इस पॉइंट का नाम है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो अभी हमें क्या करना है थर्टी पॉइंट फाइव से ले कर थर्टी फाइव पॉइंट फाइव वाला एक बार बनाएंगे और इसको जो यहाँ इस वाली साइड में क्या होगा इस वाली साइड में होगा वेट वेट इन के जी और इस वाले एक्सिस पे होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस वाले एक्सिस पे होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक है तो थर्टी पॉइंट फाइव से अब यहाँ पे मान लेते हैं हम ये वन है ये मैक्सिमम कितना गया फिफ्टीन तक गया है तो हम यहाँ पे छोटे छोटे हमें पार्टीशन करने पड़ेंगे ठीक है तो यहाँ पे क्योंकि पेपर में आपको लग आपको फिफ्टीन बनाना है तो उससे पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए आपका पेपर फिफ्टीन जो है पेपर पे आ जाना चाहिए इस तरह से हमें डिवीजन करना है तो ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया ये फोर हो गया ये फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टर्टीन फोटीन और ये हो गया फिफ्टीन ठीक है अब थर्टी पॉइंट फाइव से लेके कर थर्टी फाइव पॉइंट फाइव का जो क्लास है उसका नंबर ऑफ इस्टूडेंट कितने हैं नाइन है तो आपको जो ग्राफ आपको जो बार बनाना है वो नाइन तक लेके जाना है आपने ये बना दिया बार ठीक है इसको आपने ऐसे शेडेड कर दिया अब देखो एक ध्यान क्या रखना है आपको अब दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी वो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव से शुरू हो जाएगी तो थर्टी फाइव पॉइंट फाइव से फोर्टी पॉइंट फाइव तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा फोर्टी पॉइंट फाइव होगा दूसरी क्लास यहाँ से शुरू हो जाएगी इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं सिक्स हैं तो ये जो ग्राफ जाएगा वो कहाँ तक जाएगा सिक्स तक जाएगा तो अब आप क्या देख रहे हो इसमें कि कंटिन्यूस ये जा रहा है ठीक है बीच में कहीं पे गैप नहीं देना है आपको वहां पे तो हम गैप दे रहे थे बार ग्राफ के अंदर यहाँ पे गैप नहीं देना फोर्टी पॉइंट फाइव आ गया उसके बाद फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव आएगा यहाँ पे फोर्टी पॉइंट पॉइंट फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव ये वाला जो क्लास है वो कहाँ तक है फिफ्टीन तक है तो ये जो बिल्डिंग जाएगी वो कहाँ तक जाएगी फिफ्टीन तक जाएगी ठीक है तो ये जो बनेगा बस देखो सिंपल सा डिफरेंस उसमें इसमें और बार ग्राफ में ये है कि वहाँ पे जो है गैप रहेगा हर एक बिल्डिंग के बीच में हर एक बार के बीच में वहाँ पे गैप रहेगा और यहाँ पे गैप नहीं रहता है ठीक है ये सिर्फ ये डिफरेंस है उसके बाद है यहाँ पे फिफ्टी पॉइंट फाइव तो फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव से ये आता है तीन तीन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वेट इसमें बिलोंग करता है तो उनकी बिल्डिंग ये हो गई उसके बाद है फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव ऐसा एक ही स्टूडेंट है तो इसकी बिल्डिंग ये हो जाएगी बस ठीक है उसके बाद फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव से सिक्सटी सिक्सटी पॉइंट फाइव ऐसे स्टूडेंट केवल दो हैं तो उनका जो बार बनेगा वो ये बन जाएगा ठीक है तो सिर्फ ये छोटा सा एक डिफरेंस है आ, हिस्टोग्राम के अंदर ओके ओके तो ये समझ में आया किंक यहाँ हमने क्यों दिया क्योंकि यहाँ पे ये जीरो से शुरू हो रहा है थर्टी पॉइंट फाइव हमें दिखाना है तो इसलिए किंक देना बहुत ज़रूरी है अगर जीरो से शुरू हो रहा है तो यहाँ किंक की ज़रूरत नहीं है फिर आप यहीं से ग्राफ शुरू कर सकते हो जीरो से ही ठीक है तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अब देखो ये आपका क्या है कि इसमें जो क्लास साइज़ है वो सेम है पहला हिस्टोग्राम इस तरह का होता है कि जिसकी क्लास साइज़ सेम होती है अगर क्लास का साइज़ वेरी हो जाता है क्लास का साइज़ अगर डिफरेंट होता है हर एक बार के लिए तो क्या करेंगे फिर ठीक है तो हम क्या करेंगे उसको देख लेते हैं अगर क्लास का साइज़ जो है वेरी हो रहा है क्लास की विथ अगर वेरी हो रही है तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाएंगे तो यहाँ पे ले, ले लेते हैं मार्क्स ठीक है और यहाँ पे ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो यहाँ पे हमने इसको जो टेबल को बनाना है वो टेबल को ऐसे बनाया हमने कि भाई जीरो से ट्वेंटी वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके जीरो से लेके ट्वेंटी मार्क्स हैं ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं हमारे पास सेवन और ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स ट्वेंटी से लेके थर्टी हैं ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास टेन और जिनके थर्टी से ले कर फोर्टी हैं ऐसे स्टूडेंट हमारे पास टेन हैं जिनके मार्क्स फोर्टी से फिफ्टी हैं ऐसे स्टूडेंट ट्वेंटी हैं और जिनके मार्क्स हमारे फिफ्टी से लेके कर सिक्सटी है ऐसे स्टूडेंट ट्वेंटी हैं और जिनके मार्क्स सिक्सटी से लेके कर है ऐसे स्टूडेंट हमारे पास फिफ्टीन हैं और 70 अबो जिसके मार्क्स हैं ऐसे स्टूडेंट हमारे पास एट हैं टोटल कितने मार्क्स हैं हंड्रेड हैं तो इसको सेवेंटी टू अबो लिख सेवेंटी अबो लिख लो या सेवेंटी टू हंड्रेड भी हम लिख सकते हैं है ना ओके okay. अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि इसका जो क्लास साइज़ है वो कितना है ट्वेंटी है इसका क्लास साइज कितना है इसका तो ट्वेंटी हो गया इसका क्लास साइज कितना हो गया इसका टेन हो गया इसका टेन हो गया इसका क्लास साइज ट्वेंटी है इसका टेन है इसका भी टेन है इसका भी टेन है इसका भी टेन है इसका भी टेन है इसका कितना है थर्टी है ठीक है तो अभी देखो यहाँ पे जो बार ये जो बनेगा हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम में कुछ डिफरेंस होगा डिफरेंस क्या होगा वो हमें सीखने की ज़रूरत है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम क्लास लिखते हैं है ना तो क्लास कहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पे ज़ीरो से ही शुरू हो जा रही है हमारी क्लास ठीक है तो यहाँ पे मार्क्स लिख लेते हैं हम इस एक्सिस पे हम मान लेते हैं मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखा रहे हैं इस एक्सिस पे दिखा रहे हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इस एक्सिस पे दिखा रहे हैं हम नंबर ऑफ मार्क्स ठीक है तो पहली जो क्लास है वो जीरो से ट्वेंटी है तो जीरो से ट्वेंटी टेन मान लेते हैं यहां होता है ट्वेंटी मान लेते हैं यहां पे होता है तो इसको मान लेते हैं हम ट्वेंटी उसके बाद थर्टी वाला है थर्टी मान लेते हैं यहां उसके बाद फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी 90 और यहाँ हो गए मैक्सिमम मार्क्स दैट इज हंड्रेड ओके अभी देखो करना क्या है यहाँ पे आपको कि ये जो क्लास साइज है आपका ये ट्वेंटी का है बट नॉर्मल जो क्लास साइज है वो कितना है टेन का है तो ये क्लास साइज किस प्रोपोर्शन में बाकी जो क्लास साइज है उसकी प्रोपोर्शन में कितना बढ़ रहा है ये डबल हो गया है हाँ ना तो होता क्या है कि जब आप ग्राफ का जो साइज़ है अगर लेंथ उसकी डबल हो जाती है तो उसकी जो हाइट है वो आधी हो जाएगी समझ गए बात क्योंकि आपको एरिया जो रखना है इसका रेक्टेंगल बनेगा ना एक रेक्टेंगल बना था ना पीछे भी एक तो उस रेक्टेंगल का जो एरिया रखना है आपको सेम रखना है ठीक है तो सेम एरिया कैसे रखेंगे इसका क्लास साइज डबल हो गया है इसके तो इसकी जो हाइट होगी वो इसकी आधी हो जाएगी क्लियर है तो यहाँ पे हम इसके ये बना लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं मैक्सिमम ट्वेंटी हैं ठीक है, 20 है तो ट्वेंटी हैं तो उस तरह से हम इसको अरेंज कर लेते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे टू होंगे फिर यहाँ पे फोर होंगे यहाँ पे सिक्स होंगे यहाँ पे एट होंगे यहाँ पे टेन हो जाएंगे यहाँ पे ट्वेल्व हो जाएंगे फिर ये फोर्टीन फिफ्टी सॉरी सिक्सटीन एट्टीन और ये हो गया आपके ट्वेंटी मैक्सिमम ट्वेंटी है तो उस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया ओके okay. अभी जो ग्राफ बनेगा आपका वो कैसा बनेगा देखो ये जीरो से लेके ट्वेंटी वाली जो क्लास है वो डबल क्लास हो गई है इसकी तो इसकी जो हाइट होगी वो एक्चुअल हाइट जो होगी होनी चाहिए देखो हाइट आपके कितनी होनी चाहिए सेवन तक जानी चाहिए लेकिन अब इसका आधा करना पड़ेगा आपको क्यों करना पड़ेगा क्योंकि क्लास साइज डबल हो गया है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा तो आप जो इसमें शो करोगे वो कितना शो करोगे 3.5 शो करोगे तो यहाँ पे 3 होगा कहीं पे 3.5 पॉइंट यहाँ पे होगा ठीक है तो आपका जो बनेगा जो हिस्टोग्राम वो इस तरह से बनेगा गए इसको कहाँ तक सेवन तक नहीं लेके जाना है इसको सेवन तक नहीं लेके जाना है क्योंकि यहाँ पे आपने क्लास साइज जो है डबल किया है तो इसीलिए उसकी जो लेंथ होगी वो आधी हो जाएगी ठीक है तो वन बाई अगर टू का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे टू का डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में समझिए बात क्यों ऐसा किया है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भाई इसको जो है अगर ये जीरो टेन टेन क्लास विथ होती तो ये से, सेवन तक जाती अगर टेन का क्लास विथ होता इसका तो सेवन तक जाता लेकिन ट्वेंटी का क्लास साइज है तो ये कहाँ तक आने चाहिए उसका आधा आना चाहिए सेवन पॉइंट फाइव पर आना चाहिए फिर ट्वेंटी से थर्टी वाले कितने हैं टेन है तो यहाँ पे जो बनेगा ग्राफ वो ऐसा बनेगा टेन बना दो इसको ट्वेंटी से थर्टी ये वाला जो बार बनेगा ये इस तरह बनेगा फिर थर्टी टू फोर्टी भी टेन है तो ये भी ऐसा ही बन जाएगा थर्टी टू फोर्टी हो गए टेन उसके बाद फोर्टी टू फिफ्टी हो गए ट्वेंटी तो फोटी टू फिफ्टी यहाँ आ जाएगा फोर्टी टू फिफ्टी हो गए यहाँ पे ट्वेंटी ठीक है ये हो गया आपका फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी भी ट्वेंटी है तो फिफ्टी टू सिक्सटी भी ट्वेंटी बना दो फिफ्टी टू सिक्सटी हो गया आपका ट्वेंटी सिक्सटी सेवेंटी हो गया 15 फिफ्टीन यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे तो ये हो गया आपके फ़िफ्टीन बस इसमें यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्लास साइज़ अगर डबल हो गया तो हाइट उसकी आधी हो जाएगी फिर सेवेंटी एंड अबो ये देखो थर्टी हो गई इसकी क्लास साइज ट्रिपल हो गई तीन मल्टीप्लाई हो गया इसमें तो यहाँ पे तीन से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा एट बाई थ्री ठीक है एट बाई थ्री का मतलब कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट सेवन सेवन इतना कुछ आ जाएगा ओके सॉरी टू पॉइंट सेवन सेवन टू पॉइंट सेवन सेवन तो यहाँ सेवनटी एंड अबो में टू पॉइंट सेवन सेवन तो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह का बनेगा वो ग्राफ समझ में तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है हिस्टोग्राम बनाते टाइम हिस्टोग्राम जो है वेरिएबल साइज का भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि वो फिक्स साइज का हो तो इस तरह से ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर सेवन ओके अब इसको देखो तीसरी टेबल यहाँ पे बना सकते हो आप यहाँ पे टेबल और भी बनानी पड़ेगी आपको पहली किसकी टेबल बनानी पड़ेगी ये ये टेबल हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ तो द रेक्टेंगल लेंथ ऑफ तो रेक्टेंगल क्योंकि लेंथ तो उसकी जो है चेंज हो जाएगी ठीक है और यहाँ पे एक टेबल बनेगी आपकी विथ्थ ऑफ द क्लास विथ्थ ऑफ द क्लास ठीक है ये मैंने जो यहाँ पे लिखा है ये आप इधर बना सकते हो यहाँ पे बना सकते हो कहीं पे बना लो कोई इसका इशू नहीं है ठीक है ओके तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम अगर वो वेरिएबल साइज़ का हो रहा हो अगर उसका क्लास साइज़ जो है वेरिएबल हो रहा हो तो हिस्टोग्राम बनाने का तरीका ये है हमारा अब उसके बाद पढ़ेंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं बड़ा ही सिंपल है ये तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है जो क्लास साइज़ दिया है हमारा उस क्लास साइज़ का सबसे मिडिल पॉइंट क्या है मिडिल पॉइंट को मिडिल पॉइंट से मिलाते चले जाओ हर क्लास को तो बन जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ठीक है मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो एक जस्ट एक ग्राफ बनाता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ किसका बनाया था वेट इन के ऐसा कुछ ग्राफ हमने बनाया था ठीक है यहाँ पर लिखा था वेट के में और यहाँ पे किंक दिया था हमने ठीक है किंक दिया था इसको थोड़ा ऐसे भी बना सकते हो ऐसे इस तरह से बना दो एक किंक दिया था हमने तो यहाँ पे जो पॉइंट था हमारा वो था थर्टी पॉइंट फाइव यहाँ था थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ये था हमारा फोर्टी पॉइंट फाइव ये था फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव ये था फिफ्टी पॉइंट फाइव और ये था फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव लास्ट था ओके okay, उसके बाद आगे भी था सिक्सटी पॉइंट फाइव और ये था सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव ठीक है यहाँ पे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में जो थर्टी से थर्टी फाइव थे वो आ, कितने थे नाइन थे थर्टी से थर्टी फाइव अब यहाँ पे बना लो इसको ये लिख लो यहाँ पे टू ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन तो थर्टी से थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तक थे नाइन स्टूडेंट तो हमने ये बना दिया बार ओके okay? ओके okay. इसके बाद थर्टी फाइव पॉइंट फाइव से लेके फोर्टी पॉइंट फाइव तक थे छः स्टूडेंट तो छः के लिए हमने फिर ये बना दिया देखो हिस्टोग्राम मैंने सिखा दिया था आपको पहले बनाना तो वही मैं ग्राफ बना रहा हूँ जस्ट उसके बाद फोर्टी पॉइंट फाइव से ले कर पॉइंट फाइव तक थे थर्टीन तो यहाँ पे हो गए आपके नाइन हो गए टेन एलेवन ट और ये हो गए थर्टीन तो यहाँ पे लिख दो आप थर्टीन इस तरह से ओके तो ये हो गए आपके थर्टीन गुड उसके बाद था फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव से यहाँ तक था फिफ्ट थ्री नंबर तो ये हो गया आपका थ्री नंबर ओके उसके बाद फिफ्टी पॉइंट फाइव से फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव तक था वन तो ये हो गया आपका ये वाला one. उसके बाद आगे था टू तो यहाँ पे हो गया आपका टू ओके okay. और इससे आगे था बस इससे आगे है ही नहीं कुछ ओके okay. तो ये था अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का तरीका क्या है कि ये जो क्लास है आपकी क्लास कौन सी है थर्टी पॉइंट फाइव और थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इसको दोनों को ऐड करो ऐड करके हाफ़ कर दो तो हाफ़ करेंगे तो कितना आएगा ये हो जाएगा सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स बाई टू तो ये कितना हो जाएगा थर्टी थ्री हो जाएगा तो आपको क्या करना है देखो थर्टी थ्री हो गया आपको कुछ नहीं करना मैं बताता हूँ ये जो आपका विट्थ है इसका आधा लेना है आपको ठीक है तो आधा कैसे लोगे ये जो इन दोनों के बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लो ये सेंटर पॉइंट हो गया फिर एक ये सेंटर पॉइंट हो गया एक ये सेंटर पॉइंट हो गया ये सेंटर पॉइंट हो गया ये सेंटर पॉइंट हो गया ये हो गया ठीक है और यहां से पीछे जो थर्टी पॉइंट फाइव से पीछे कितना आएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव आएगा है ना उसी से उसी साइज का रखना है तो यहां पे जो पीछे आएगा वो कितना आएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव आएगा ओके तो अभी आपको क्या करना है कि इसका जो हाफ पॉइंट होगा वो देखना है कौन सा है हाफ पॉइंट है इसका ये ओके तो अभी आपको क्या करना है कि जो ये पॉइंट आपको मिले हैं इन पॉइंट को मिला देना है आपस में ऐसे थोड़ा डोटेड लाइन से इनको मिला दो आपस में यह मिला दिया ठीक है तो जब इस तरह से मिलेगा अब यहाँ एक क्लास लिया आपने सिक्सटी पॉइंट फाइव से लेके 65.5 तो यहाँ पे इसके बीच का पॉइंट ले लो एक ठीक है इसको हमने ओ मान लिया पॉइंट को इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया इसको सी मान लिया इसको डी मान लिया इसको ई e मान लिया इसको एफ मान लिया इसको जी मान लिया ठीक है तो एक पॉलीगन यहाँ से बन गया आपका कौन सा पॉलीगन बन गया ओ से शुरू हुआ जी तक गया और जी से फिर ओ तक आया तो एक पॉलीगन बन गया ओ ए बी सी डी ई एफ जी और फिर आ गया ओ तो ये जो पॉलीगन बना है इस पॉलीगन को क्या कहते हैं हम इस पॉलीगन को ही हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं ठीक है तो अभी दूसरा एक और क्या हो सकता है दूसरा ऐसा भी दिया हो सकता है कि ये ग्राफ ना बनाना पड़े हमें सिर्फ हमें पॉलीगन ही बनाना पड़े ठीक है खाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रहेगा वहां पे आपको बार ग्राफ नहीं बनाना है या हिस्टोग्राम आपको नहीं बनाना है ठीक है ये भी दिया जा सकता है तो उस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर एट एट भी ऐसे ही करना है बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर एट बहुत आसानी से हो जाएगा ठीक है उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर नाइन नाइन्थ एग्जाम्पल में क्या करना है वो देख लेते हैं एक बार सिंपल सा है ओके okay. एग्जाम्पल नंबर नाइन नाइन में टेबल दी है ओके okay. तो ये दिया है उसने कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ वीक्स तो इस टेबल को पहले बना लेते हैं 140 से 150 जो लिविंग इंडेक्स कॉस्ट है वो वीक फाइव है उसमें इंक्लूड तो 150 से 160 ये टेन है वन सिक्सटी से वन सेवेंटी ये हैं आपके ट्वेंटी और वन सेवेंटी से वन एट्टी इसमें दिया है नाइन और वन एट्टी से वन इसमें सिक्स दिया है और वन नाइन्टी से टू हंड्रेड इसमें टू दिया है और यहाँ पे टोटल कितने हैं फिफ्टी टू वीक्स का मतलब पूरे साल का आपको डेटा दे दिया उसने कि जो पहले जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था वो पहले पाँच हफ्तों में वन फोर्टी से वन फिफ्टी गया फिर अगले दस हफ़्तों में सिक्सटी तक चला गया अगले बीस हफ्तों में 70 तक चला गया अगले नौ हफ़्तों में जो है नौ हफ्तों के लिए वो वन से वन एट्टी में रहा पाँच हफ्तों के लिए वन फोर्टी से वन फिफ्टी तक रहा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और 10 हफ्तों के लिए वो वन फिफ्टी से वन सिक्सटी रहा ठीक है तो ये एक डाटा दिया है उसने इस डाटा से हमें क्या करना है एक इससे बनाना है हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है और उसमें ग्राफ नहीं बनाना है ठीक है तो ग्राफ नहीं बनाना है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनेगा उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ओके तो नीचे की तरफ हमें क्या रखना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रखेंगे नीचे की तरफ तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को हम नीचे की तरफ दिखा देते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इसको हमने कहाँ दिखा दिया नीचे की तरफ दिखा दिया और नंबर ऑफ वीक्स को दिखा देते हैं ऊपर की तरफ ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है इसको नीचे जो है क्लास को दिखाना जरूरी होता है क्लास को हमें नीचे ही दिखाना है क्लास को हम चाहे तो यहां भी दिखा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा अजीब सा लगेगा है ना तो दोनों एक्सिस में से किसी को भी मान सकते हो बट कन्वेंशनली हम क्या करते हैं हम जो क्लास होती है हमारी क्लास को हम नीचे वाले एक्सिस पे दिखाते हैं हमेशा तो यहाँ पे देखो फिर हमें किंग केक देना पड़ेगा क्यों देना पड़ेगा क्योंकि 140 से लेके 150 दिया है ज़ीरो नहीं दिया है इसमें तो किंक इसीलिए देना पड़ेगा हमें एक तो यहाँ पर हमने क्या किया किंक दे दिया तो यहाँ पर शुरू करते हैं वन से ये वन हो गया ये वन ये हो गया वन वन सेवेंटी वन एट्टी कहाँ तक गया है ये टू हंड्रेड तक गया है वन नाइन्टी हो गया और ये हो गया टू हंड्रेड ठीक है ये हो गया नंबर ऑफ वीक्स तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ वीक्स भी बना लेते हैं हम कितने हैं मैक्सिमम ट्वेंटी वीक्स हैं मैक्सिमम हमारे पास तो ट्वेंटी के हिसाब से हम इसको अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम बनाते हैं यहाँ पे हो जाएगा हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देखो ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत आसानी से बनेगा ये तो यहाँ पे ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है बनाने में ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन बट कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी सेवनटीन एटीन नाइनटीन और ये लिख दिया मैंने यहाँ पे ट्वेंटी ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको वन फोर्टी और वन फोर्टी वन फिफ्टी का जो हाफ होगा वो लेना है आपको वन फोर्टी प्लस वन फिफ्टी का हाफ़ तो कितना हो जाएगा ये टू नाइन्टी का हाफ यानी कि वन फोर्टी फाइव तो यहाँ पे क्या करना है आपको वन फोर्टी फाइव लेना है ठीक है यहाँ पे कहीं आएगा वन फोर्टी फाइव फिर यहाँ पे बीस के बीच में कहीं आएगा वन फिफ्टी फाइव इसके बीच में कहीं आएगा वन सिक्सटी फाइव इसके बीच में कहीं आएगा वन सेवेंटी फाइव तो सबका जो है क्लास का मिडिल पॉइंट लेना है आपको तो मिडिल पॉइंट को किससे मिलाना है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका मिडिल पॉइंट हमने क्या निकाला है 150 145 निकाला इसका मिडिल पॉइंट तो मिडिल पॉइंट 145 हो गया इसका 155 हो गया इसका 165 हो गया इसका 175 हो गया इसका 185 हो गया, 185 हो गया 195 हो गया ठीक है अब इस पॉइंट को सिर्फ आपको ट्रेस करना है किस पॉइंट को ट्रेस करना है 145 और 5 को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ना हमने भाई टू थ्री पॉइंट को कैसे ट्रेस करते थे एक्स एक्सिस पे टू पॉइंट गए वाई एक्सिस पे थ्री पॉइंट गए तो उसी तरह से ट्रेस करना है आपको एक्स एक्सिस पे जाना है वन फोर्टी फाइव तो वन फोर्टी फाइव कहाँ पे है यहाँ पे है और वाई एक्सिस पे जाना है फाइव तो फाइव कहाँ पर है यहाँ पे है तो पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा है ना और जो पीछे वाली क्लास है उस उसका भी मिडिल पॉइंट लेना है तो वन यहाँ पे आ जाएगा वन थर्टी फाइव तो ये हो जाएगा आपका वन थर्टी फाइव है ना क्योंकि पीछे वाला भी तो लेना पड़ेगा ये पॉइंट तो ये पॉइंट हो जाएगा वन थर्टी फाइव तो ये इस पॉइंट को हम ओ मानते हैं ये पॉइंट हो गया हमारा ए अब दूसरी क्लास दूसरा पॉइंट कहाँ से मिलेगा वन फिफ्टी फाइव और टेन लेना है इस बारे में तो वन फिफ्टी फाइव ये हुआ टेन कहाँ पर है टेन यहाँ पर है तो ये हो गया कहीं पर वन फिफ्टी फाइव टेन तो ये हो गया आपका बी ठीक है ये हो गया बी तो या तो ऐसे लिख दो इसको लिख दोगे, ए ए पॉइंट को लिख दो वन फोर्टी फाइव और फाइव बी को लिख दो वन फिफ्टी फाइव और टेन ठीक है लेकिन बुक में आपके लिखा नहीं हुआ है तो इसलिए इसको इस तरह से मत लिखना सिर्फ यहाँ पे एक टेबल और बना लेना क्या टेबल बनेगी यहाँ पे क्लास मार्क्स की टेबल बनेगी यहाँ पे एक टेबल बना लो वो टेबल कैसी बनेगी क्लास मार्क्स की टेबल बनेगी तो यहाँ पे लिख दो 145 फोर्टी फाइव यहाँ पे वन फिफ्टी फाइव यहाँ पे वन सिक्सटी फाइव यहाँ पे वन सेवेंटी फाइव यहाँ पे वन एट्टी फाइव यहाँ पे वन नाइन्टी फाइव ठीक है तो वन फिफ्टी फाइव टेन हो गया उसके बाद वन सिक्सटी फाइव ट्वेंटी वन सिक्सटी फाइव कहाँ पे है ये है ट्वेंटी कहाँ पर है यहाँ पे है ओके तो ये हो गया आपका सी पॉइंट उसके बाद डी पॉइंट वन सेवेंटी फाइव नाइन वन सेवेंटी फाइव ये रहा और नाइन कहाँ पे है नाइन यहाँ पे है, ओके यहाँ पे कहीं पे नाइन आ जाएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी ठीक है इनको मैं मिटा देता हूँ ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पज से बनाया था ये जो पॉइंट लिखा है मैंने सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से लिखा है वो डी हो गया उसके बाद ई e ढूंढना है वन एट्टी फाइव और सिक्स वन एट्टी फाइव और सिक्स सिक्स कहाँ पे है यहाँ पर तो ये हो जाएगा ई e पॉइंट वन एट्टी फाइव सिक्स हो जाएगा उसके बाद वन नाइन्टी फाइव टू वन नाइन्टी फाइव यहाँ पर आएगा टू कहीं यहाँ पर आएगा तो ये एफ हो गया हमारा पॉइंट और एक पॉइंट आगे भी लेना है हमें वन नाइनटी फाइव से आगे टू ज़ीरो फाइव आएगा तो टू ज़ीरो फाइव जो है हमारा पॉलीगन का लास्ट पॉइंट होगा तो ये कितना होगा ये हो जाएगा टू ज़ीरो फाइव ये हो जाएगा हमारा जी तो अब पॉलीगन बना दो बस इनको मिला के स्केल की हेल्प लेते हुए तो ये बनेगा ओ से लेके ए ए से लेके बी बी से लेके C सी सी से लेके फिर डी डी से फिर ई e, e से फिर एफ एफ से फिर जी तो इस तरह से पॉलीगन बन गया आपका ओ ए बी सी डी ई एफ जी और ओ तो ये बन गया पॉलीगन इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज़ कहाँ पे होता है जहाँ पे हमें दो डाटा का कंपैरिजन करना होता है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज़ होता है भाई एक डेटा एक जैसे वो देखते हो ना आप उसमें क्रिकेट मैच में देखते हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है इस ओवर में यहां पे था इंडिया इस ओवर में यहां पे था इस तरह का कुछ ग्राफ बनाते हैं ना वो फिफ्टी ओवर्स का ग्राफ जो बनाते हैं तो वो कंपैरिजन के लिए हमेशा जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है ठीक है तो इसके बाद जो है एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट थ्री दी है फोर्टीन पॉइंट थ्री सिंपली इन्हीं पे बेस्ड है कोई किस पे बेस्ड है बार ग्राफ हिस्टोग्राम और जो है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे बेस्ड है ओके एक्सरसाइज कर लेना कोई डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो अभी जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे क्या ए, ओके okay, अभी जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे मीन मीन क्या होता है मीन का मतलब होता है एवरेज ठीक है तो एवरेज कैसे निकालते हैं मान लो आपके आ, फाइव सब्जेक्ट्स में मार्क आए एक में थर्टी आए दूसरे में ट्वेंटी आए तीसरे में फोर्टी आए एक में जो है फोर्टी फाइव आए या इसको भी हम रफली ले लेते हैं फोर्टी और एक में आए, आए आपके फिफ्टी तो ये फाइव पेपर हैं आपके उस पाइव फाइव पेपर में आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं कितने आए हैं तो इसका अगर आपको निकालना हो कि भाई कितना परसेंटेज है आपके मार्क्स कितना एवरेज है एवरेज ठीक है तो एवरेज कैसे निकालते हैं जितने डाटा हैं इन सब को ऐड कर दो ऐड करके उसको जितने आपने सैम्पल लिए हैं कितने वन टू थ्री फोर फाइव फाइव से उसको डिवाइड कर दो तो जो आंसर आएगा वो आंसर होता है मीन मीन कह दो या उसको एवरेज कह दो ठीक है तो अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमेशा आपको रो डाटा नहीं दिया होगा कभी कभी आपको टेबल भी दी होगी अगर डाटा ज़्यादा होगा तो टेबुलर फॉर्मेट में ही लेना पड़ेगा हमें तो टेबुलर फॉर्मेट में मीन कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर ठीक है मीन कैसे निकालेंगे टेबुलर फॉर्मेट में तो एक टेबल हम बना लेते हैं उस टेबल से आपको मैं समझाऊंगा, ओके तो टेबल से समझ लेते हैं इसका देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर इलेवन दिया है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑपटेंड बाई थर्टी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ ऑफ ए स्कूल गिविन इन एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल टू कहीं पे दिया है उसने उसमें थर्टी स्टूडेंट्स दिए हैं पीछे की तरफ जाओगे तो एग्जाम्पल टू मिलेगा करना क्या है जितने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आए हैं उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देना है तो एवरेज आपकी मार्क्स आ जाएंगे बहुत सिंपल है ईजिली हो जाएगा और मीन को जो डिवाइड मतलब डिनोट करते हैं वो इस तरह से एक्स के ऊपर एक बार लगा देते हैं तो इसको मीन से डिनोट करते हैं मतलब एवरेज ठीक है तो एक्स कोई डेटा है जो टोटल डेटा हमने कलेक्ट किया उसको एक्स से डिनोट किया है तो एक्स बार का मतलब है मीन तो वो जो डेटा है उस डेटा को सबको ऐड कर दो उससे डिवाइड करना है कितने नंबर ऑफ डाटा आपने लिया है यहाँ पे उस नंबर ऑफ़ डाटा से उसको डिवाइड करोगे तो मीन आ जाएगा ठीक है अब दूसरा क्या है कि आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हो सकती है भाई एक डेटा रिपीट भी तो हो सकता है तो रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे हम देखो इसको अगर मैथमेटिकली में लिखूं तो मैथमेटिकली मैं ऐसे लिखूंगा कि समेसन ऑफ एक्स अपॉन एन ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं समेसन ऑफ एक्स अपॉन एन तो समेसन का मतलब क्या है समेसन आई इज इक्वल टू वन टू एन मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ डेटा हमारे पास है तो इसको सिग्मा लिखते हैं इसका नाम क्या है ये एक ग्रीक लेटर है इसको बोलते हैं हम कैपिटल सिग्मा। ठीक है एक ये होता है स्मॉल सिग्मा, ये होता है एक होता है कैपिटल सिग्मा ठीक है ग्रीक लेटर होता है तो इसको बोलते हैं सिग्मा तो इसका मतलब क्या है हमने इसको लिखा है कि एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स फ्रॉम सी इसको एक्स आई लिखेंगे और इसको एन लिखेंगे हम और इसको यहां पे एन से डिवाइड करना है अब इसका मैथमेटिकली मीनिंग समझ लो देखो लॉजिक समझ में आ गया आपको मीन का मतलब क्या होता है इसको मैथमेटिकली सिर्फ मैंने लिख दिया है देखो एक्स आई आई की वैल्यू वन से लेके एन तक है मान लो अगर दस दस कलेक्शन है आपके पास डेटा का तो आपको सब डेटा को ऐड करना है तो x1 ऐड हो जाएगा x2 ऐड हो जाएगा x3 x4 x5 सब को ऐड करना है और कितने नंबर ऑफ़ डाटा का कलेक्शन आपने लिया है उस नंबर से उसको डिवाइड कर देना है तो ये हो जाएगा आपका सिंपल जब डाटा आपका छोटा दिया हो थोड़ा दिया हो अगर डेटा आपका ज़्यादा दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर बनाओगे तो उसमें कैसे फाइंड करेंगे हम देखो जितना डाटा दिया है उसके करस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना तो यहां पर एफ आई दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अपॉन यहां पे एन लिख दो एन क्या है टोटल टोटल जो आपकी फ्रीक्वेंसी का एडिशन आया वो यहाँ पे लिख दोगे ठीक है ओके अब इसको मैं देखो ये फॉर्मूला क्योंकि हम क्या है कि मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि फार्मूला आपको ना बताया जाए फॉर्मूले के बिना ही आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाए ठीक है तो ये मैंने आपको समझाया है कि फार्मूले की फॉर्म में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका है ये बट कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा ओके अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं देखो बुक में इसको समेशन ऑफ एफ बुक में इसको भी समेशन के रूप में लिख दिया है चाहे आप इसको एन लिख लो चाहे आप इसको समेशन एफ आई वन से लेके कर एन तक ऐसे भी लिख सकते हो तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो ठीक है तो सिंपल हो जाएगा ये भी मैं इसका एग्ज़ाम्पल एक करके दिखा देता हूँ आपको कि आखिर करना क्या है इसमें तो एग्ज़ाम्पल नंबर ले, ले लेते हैं हम एक टेबल मैं लिख लेता हूँ ठीक है यहाँ पे मार्क्स है और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे है उसका तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या होगा एफ आई हो जाएगा मार्क्स क्या होगा ये एक्स आई हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे और हमें करना क्या है हमें एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर सबको ऐड कर देना है आपस में तो टेन मार्क्स जो स्टूडेंट हैं ऐसे स्टूडेंट जिनके टेन मार्क्स आए ऐसे स्टूडेंट वन हैं जिनके ट्वेंटी आए वो स्टूडेंट वन हैं जिनके थर्टी सिक्स आए ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो थ्री हैं जिन स्टूडेंट्स के फोर्टी मार्क्स आए ऐसे स्टूडेंट फोर हैं स्टूडेंट जिनके फिफ्टी मार्क्स हैं ऐसे स्टूडेंट जो हैं थ्री हैं और फिफ्टी सिक्स स्टूडेंट फिफ्टी सिक्स मार्क्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं टू हैं सिक्सटी मार्क्स वाले स्टूडेंट फोर हैं सेवेंटी मार्क्स वाले स्टूडेंट भी फोर हैं सेवेंटी टू मार्क्स वाले स्टूडेंट वन हैं और एट्टी मार्क्स वाले स्टूडेंट भी वन हैं एटी एट मार्क्स वाले स्टूडेंट टू हैं नाइन्टी टू मार्क्स वाले स्टूडेंट थ्री हैं नाइन्टी फाइव मार्क्स वाले स्टूडेंट वन है, ठीक है तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई अब इससे आपको जो है मीन निकालना है तो मीन निकालने का तरीका क्या है कि करस्पोंडिंग एलिमेंट और उसकी करस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें ठीक है देखो इसका मतलब समझ लो आप फॉर्मूले पे मत जाओ इसका मीनिंग समझ लो आप कि आखिर ऐसा क्यों मल्टीप्लाई क्यों करते हैं उसकी ठीक है देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो मीन निकलेगा वो उस टर्म को सबको ऐड करोगे और फिर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करोगे तो मीन आ जाएगा अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि भाई थर्टी सिक्स मार्क्स थ्री टाइम्स आए हैं तो इसीलिए इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री टाइम्स लिखना पड़ेगा ना हमें थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स जो है थ्री टाइम्स ऐड होगा तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा तो इसको हम एफ आई एक्स आई कर लो टेन का वन में मल्टीप्लाई टेन हो गया ट्वेंटी का वन में मल्टीप्लाई ट्वेंटी हो गया थर्टी सिक्स का थ्री में मल्टीप्लाई वन जीरो एट हो गया यहाँ पे 160 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 150, फिफ्टी यहाँ पर आ जाएगा 112, वन टू सिक्सटी का फॉर में मल्टीप्लाई आ जाएगा 240, फोर्टी सेवेंटी का फॉर में मल्टीप्लाई 280, एट्टी सेवेंटी टू का वन में सेवेंटी टू एट्टी का वन में एट्टी एट्टी एट का वन में वन नाइन्टी सिक्स और नाइन्टी टू का थ्री में टू सेवेंटी सिक्स नाइन्टी फाइव का ये हो जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है टोटल तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा वन से लेके एन तक ये कितना हो गया इन सबको ऐड कर दोगे कितने स्टूडेंट्स का डाटा था उसके पास उसके पास था थर्टी स्टूडेंट्स का डाटा तो ये हो जाएगा थर्टी और इसको ऐड करोगे तो इसमें क्या लिखोगे समेशन आई इज इक्वल टू वन आई इज इक्वल टू वन टू एन या वन टू थर्टी लिख लो ठीक है वन टू थर्टी लिख लो या वन टू एन लिख लो तो वन टू थर्टी एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू जो भी इसका एडिशन आता है एडिशन आता है वन सेवन सेवन नाइन वन सेवन सेवन नाइन तो अब जो मीन हो जाएगा जो एक्स एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसको इससे डिवाइड कर दो वन सेवन सेवन नाइन अपॉन थर्टी डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आया फिफ्टी नाइन पॉइंट थ्री ठीक है तो इस तरह से हमें जो है मीन निकालना है अगर आपका टेबल फॉर्मेट में दिया है इस तरह निकालना है अगर रो डाटा दिया है तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप फाइंड कर लोगे ठीक है मीडियन के बारे में बात करेंगे देखो मीडियन निकालने का तरीका मैंने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि मीडियन कैसे निकालते हैं अब वहाँ पे दो कंडीशन होती है मीडियन का मतलब क्या होता है जब आप आपके पास जो डेटा है उस डेटा को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो जो मीडियम टर्म होती है उसको मीन कहते हैं सॉरी जो मीडियम टर्म होती है उसको मीडियन कहते हैं मीडियन एम ई डी आई ए एन ठीक है जैसे मान लेते हैं कुछ नंबर ऑफ मार्क्स दिए हैं किसी स्टूडेंट्स के ठीक है जैसे ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी टू थर्टी थ्री फिफ्टीन नाइन ये कुछ छह स्टूडेंट का डाटा है उनके नंबर ऑफ मार्क्स हैं तो अब इसका मीडियन पूछा है आपसे कि मीडियन तो सबसे पहले इसको क्या करोगे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सॉरी लिखेंगे सबसे पहले फिर फिफ्टीन लिखेंगे फिर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव फिर आ जाएगा थर्टी थर्टी टू थर्टी थ्री अब देखो यहां पे क्या करना है आपको मिडिल वाली टर्म लेनी है अगर इसमें एक और डाटा होता मान लेते थर्टी सिक्स और होता है इसमें थर्टी सिक्स यहाँ लिख देते हैं तो अब इसकी मीडियम टर्म कौन सी बचेगी मिडिल वाली टर्म देखो तीन इधर कर दो तीन इधर कर दो तो बीच में एक टर्म जो बचेगी ये हो जाएगी इसकी मीडियम ठीक है लेकिन अगर ये डाटा आपका सिक्स डिजिट सिक्स ही होता तो क्या होता भाई अगर ये इस तरह होता नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी टू थर्टी थ्री तो यहाँ पे क्या है इसमें तो बीच में कुछ बचता ही नहीं तो क्या करना पड़ेगा फिर हमें तो दो इधर लेने पड़ेंगे दो इधर लेने पड़ेंगे बीच वाले जो टर्म बचेंगी इसको बोलेंगे हम मीडियन तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि मीडियन यहाँ पे दो हो जाती है वहाँ पे मीडियन सिंगल है तो ये केस कब है जब आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ओड है जब आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ये सिक्स है ना इवन है तो यहाँ पे दो मीडियन हो जाती हैं। तो जब ओड होता है तो ओड में मीडियन कैसे निकली देखो ये कौन सी टर्म है ये ये फोर्थ टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई सेवन आई तो सेवन प्लस वन बाई टू। ठीक है सेवन प्लस वन, प्लस वन बाई टू टर्म को क्या कहेंगे हम मीडियन कहेंगे तो यानी कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड होती हैं तो मीडियन कैसे निकलता है एन प्लस वन बाई टू टर्म निकालोगे तो आ जाएगा आपका मीडियन ठीक है ओके तो ये बात हुई जब ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो हमारे पास अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो देखो यहाँ पे थर्ड भी टर्म आपकी मीडियन है यहाँ पे फोर्थ टर्म भी मीडियन है तो थर्ड टर्म का मतलब क्या है कि एक तो टर्म हो गई एन बाई टू और एक टर्म हो गई एन बाई टू प्लस वन उससे जो एन बाई टू आता है उससे अगले वाले टर्म तो एन बाई टू टर्म हो गई और एन बाई टू प्लस वन टर्म हो गई तो यहाँ पे देखो कोई ऐसे फॉर्मूले रटने जैसी ऐसी कोई बात ही नहीं है जस्ट सिंपल एक लॉजिक है कंसेप्ट है ठीक है तो इस तरह से हम मीडियम जो है फाइंड करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व दिया है उसमें क्या करना है आपको हाइट दी है बच्चों की हाइट को क्या करना है सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अरेंज करने के बाद देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है इसमें नाइन नंबर ऑफ़ टर्म्स है नाइन स्टूडेंट्स का डाटा है तो नाइन कैसा है ओड नंबर है तो मीडियन कितनी हो जाएगी नाइन प्लस वन बाई टू टर्म हो जाएगी फिफ्थ टर्म तो जो असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करोगे फिफ्थ टर्म पे जो रखा होगा वो हो जाएगा उसका मीडियन ठीक है थर्टीन क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है थर्टीथ क्वेश्चन में भी बिल्कुल आपको मीडियन निकालना है वो भी कर सकते हो उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे कैसे दिए हैं उसने सिक्सटीन नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके पास टोटल तो सिक्सटीन कैसा है ईवन नंबर नंबर है even number है तो उसमें दो मीडियन हो जाएंगे सिक्सटीन बाई टू एंड सिक्सटीन बाई टू प्लस टर्म तो एथ टर्म और नाइन्थ टर्म दो मीडियन वहां पे हो जाएंगे ठीक है उसके बाद पढ़ेंगे हम मोड मोड़ क्या होता है मोड़ होता है कि किसी डाटा में सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा रिपीट हुआ है ठीक है सो मोस्ट रिपीटिंग डाटा मोस्ट रिपीटिंग डेटा फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है सबसे उसको कहते हैं उस डेटा का मोड ठीक है जैसे मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का डेटा लिया आपने टेबल बना लेते हैं मान लेते हैं यहां पे मार्क्स है ठीक है यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ठीक है ठीके? तो ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं मान लेते हैं फाइव हैं थर्टी वाले स्टूडेंट सिक्स हैं फोर्टी वाले स्टूडेंट मान वाल लेते हैं थ्री हैं और ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स फिफ्टी आए हैं वो फाइव हैं तो अब इसमें पूछ रहा है आपका ये टेबल दे दी उसने इस टेबल में पूछ रहा है आपका कि भाई मोड़ किस मोड़ कितना है इसको क्या कहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं तो हमें सिर्फ ये देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है थर्टी मार्क्स वाले स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मोड़ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इसका थर्टी हो जाएगा मोड़ क्या हो जाएगा थर्टी हो जाएगा थर्टी वाला जो डाटा है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो उसको कहेंगे इसका मोड़ ठीक है तो ये हो गया आपका मोड एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन है सिंपल ऐसे ही करना है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ टेन ऑबटेंड बाई ट्वेंटी स्टूडेंट्स उसमें डेटा दिया है सबसे पहले उसको आपको अरेंज करना है किस में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अरेंज करके आप एक टेबल बना सकते हो टेबल इस तरह की बना लो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही हो वो हो जाएगा आपका मोड हो जाएगा ठीक है ओके तो उसके बाद आपकी पूरी हो जाएगी एक्सरसाइज नंबर फोर्टीन पॉइंट फोर अब मैं इसका बेसिक चीज सिखा देता हूँ आपको देखो मोड मीडियन और मीन uh, हम क्यों फाइंड करते हैं कहीं पे आपको डाटा की जरूरत होती है जैसे मान लेते हैं किसी शॉप पे गए आप तो शॉप में मान लेते हैं कि उस दुकानदार ने कुछ ऑर्डर किया कुछ साइज थर्टी फोर ऑर्डर किए शर्ट्स कुछ साइज जो है थर्टी सिक्स ऑर्डर किए कुछ साइज फोर्टी ऑर्डर किए तो सबसे ज्यादा जो बिकने वाला जो साइज है वो क्या हो जाएगा उसका मोड हो जाएगा ठीक है सबसे ज्यादा बिकने वाले साइज को क्या कहेंगे हम मोड़ कहेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर साइज़ की बिकने की मान लेते हैं कि थर्टी फोर साइज़ जो है सबसे ज़्यादा बिका तो इसका मोड़ कितना हो गया थर्टी फोर हो गया मतलब आपको क्या है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में आपको थर्टी फोर नंबर ऑफ़ साइज की शर्ट्स लानी चाहिए क्योंकि उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है ठीक है तो इसको कहेंगे हम मोड़ मीडियन क्या कहेंगे कि भाई एवरेज सबसे ज़्यादा जो साइज़ वाले लोग हैं वो कौन सी शर्ट मांगते हैं मतलब थर्टी uh, फोर की मान लेते हैं टेन शर्ट्स बिकी और थर्टी फाइव की मान लेते हैं एट शर्ट्स बिकी तो उसका एक एवरेज फाइंड करते हैं हम है ना कि भाई एक एवरेज पकड़ लेते हैं कि उस एवरेज से कितनी कितना एक एवरेज साइज है सबका कि ओके okay. अब यहाँ पे देखो मीन का क्या नुकसान है मीन का नुकसान ये है मान लेते हैं कि आपने जो साइज़ है वो ट्वेंटी एट से लेके और आपके पास मान लेते हैं कि फिफ्टी सिक्स नंबर तक साइज है ओके तो हम क्या पढ़ रहे थे कि मान लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज उसके पास ट्वेंटी एट है और सबसे लार्जेस्ट साइज उसके पास फिफ्टी सिक्स है तो अब इसमें देखो मीडियम का नुकसान क्या होता है कि मीडियन में सबसे स्मॉलेस्ट साइज भी इंक्लूड होता है और सबसे लार्जेस्ट साइज भी इंक्लूड होता है मतलब उसको तो सारे के सारे ही एडिशन करने पड़ेंगे सबको ऐड करना पड़ेगा सबको एड करके उसको नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा तो तब आएगा आपका मीडियन सॉरी मीन तब आएगा मीन और मोड़ क्या होता है जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं हम मोड़ ठीक है मीडियन क्या होता है मीडियन वो होता है जो सबसे बीच का जो डाटा होता है मिडिल टर्म मिडिल टर्म को कहते हैं हम मीडियन ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका इसमें रेंज डिफरेंस ज़्यादा है 28 से 56 रेंज डिफरेंस कितना है 28 है बहुत ज़्यादा रेंज डिफरेंस है तो वहाँ पे मीन की वैल्यू जो आएगी मीन की वैल्यू से आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते फिर कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला साइज़ कौन सा है बट मोड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट कि भाई कौन सा साइज सबसे ज़्यादा बिक रहा है तो वहाँ पे आपको मोड यूज़ करना है कहीं पे आपको अब देखो आप जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते टाइम क्या देखते हैं हम पेट्रोल का एवरेज देखते हैं ठीक है अब देखो वहाँ एवरेज में क्या होता है कि अगर मान लो आपका रूरल एरिया में एवरेज अगर गाड़ी आपका सिक्सटीन दे रही है तो अर्बन एरिया में गाड़ी एवरेज दे, दे देगी जो है एट्टीन का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कितना डिफरेंस है सिर्फ टू का डिफरेंस है तो यहाँ पे मीन काम करेगा यहाँ पे क्या काम करेगा मीन काम करेगा तो अगर रेंज आपकी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे यूज़ करना है हमें मोड़ ठीक है मोड़ भी यूज़ कर सकते हैं मीडियन मीडियम भी मीडियन का भी यूज़ कर सकते हैं ओके बट जहाँ पे रेंज आपकी कम है वहाँ पे सबसे बेहतर जो होता है वो मीन होता है हमारा मेन मकसद क्या है मोड मीन और मीडियन तीनों का मकसद सिर्फ एक ही है कि सेंट्रल टेंडेंसी तक पहुंचना जो इस डेटा का जो ये पूरा जो डेटा हम यूज़ मतलब कंसिडर कर रहे हैं इसमें सेंटर पे कौन सा डाटा है सेंटर तक पहुंचाने का काम हमें ये तीनों लोग करते हैं ठीक है सेंटर पे पहुंचने का काम ये तीनों लोग करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि आखिर किस तरह का डाटा हम यूज़ कर रहे हैं और कौन सा चीज़ हमें यूज़ करनी है मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है अगर रेंज कम है तो वहाँ पे मीन यूज़ होगा अगर रेंज ज़्यादा है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मोड या फिर यूज़ करेंगे हम मीडियम ठीक है तो आई होप के चैप्टर आपको समझ आया होगा लेक्चर को पूरा देखने के लिए आ, जो है थैंक यू और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए कोई सजेशन है आपके या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके ज़्यादा ज़्यादा चैनल को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए थैंक यू वेरी मच देखते रहिए मैथ किंग मेकर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में